हरिओम आदेश आदेश। मैं ओगट कालूराम सुल्तानपुरा भीलवाड़ा राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं बहनों भाइयों गुरुओं गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हम कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं, ना ही कभी भी हम किसी को गुमराह करते हैं। हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हैं ताकि लोग घर बैठे अपनी समस्या का समाधान कर सकें। हमारे YouTube चैनल के जो भी टोने टोटके यंत्र तंत्र मंत्र जो भी आप कोई भी भगत अगर करना चाहते हो तो ध्यान से करें। अगर आप कोई हमारे YouTube चैनल के टोने टोटके तंत्र मंत्र यंत्र करते हो, अगर उसमें आपको कोई लाभ या हानि होगी तो उसका जिम्मेदार आप स्वयं खुद होंगे, हमारा कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। तो YouTube चैनल के टोने टोटके को ध्यान से करें, ना समझ में आए तो किसी का परामर्श अवश्य लें। दूसरी बात कि हमको हमारे गुरु महाराज पर अत्यंत पूर्ण विश्वास और श्रद्धा और आस्था है, तो हम हमारे गुरु महाराज की असीम कृपा से लोगों का कल्याण करते हैं और तरह तरह की बीमारी का समाधान करते हैं। हमारा YouTube चैनल एक आस्था और विश्वास के आधार पर चलता है। हमारे YouTube चैनल के माध्यम में कोई भी गलत वीडियो नहीं डालते हैं, जो सच होता है वही वीडियो हम डालते हैं। तो कभी भी हमारे YouTube चैनल के टोने टोटके अगर करते हो, उसमें अगर आपको लाभ या हानि हो गई है तो हमारा जिम्मेदारी कदापि नहीं रहेगा, वो आपका खुद स्वयं का जिम्मेदारी रहेगा। हरिओम आदेश आदेश आदेश। हरिओम आदेश आदेश। मैं ओगड़ कालूराम सुल्तानपुरा भीलवाड़ा राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं बहनों भाइयों गुरुओं गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हमेशा गौ माता की सेवा करें, माताओं बहनों की इज्जत करें और हमेशा अपने मन में एक दया की भावना रखें और बेजुबान जानवरों की हमेशा रक्षा करें और हमेशा अपने माता पिता की सेवा अवश्य करें। सर्वप्रथम सबसे पहले हम आपको एक बात विशेष तौर पे बताना चाहते हैं, सभी से हम निवेदन करते हैं कि कभी भी आप ऑनलाइन के ठगारों के चक्कर में ना पड़ें और ना ही ऑनलाइन पर किसी को पैसे आप दें, नहीं तो आपका पैसा भी जाएगा और आपका नंबर भी ब्लॉक हो जाएगा। आज हम आपको बताएंगे कि ये जो मैं बीमारी बता रहा हूँ, ये बीमारी अक्सर कर हर घर में हर किसी माता बहन बाल बच्चे बुजुर्ग भाई को ये बीमारी अवश्य होती है। इस बीमारी के लक्षण क्या क्या होते हैं वो आप ध्यान से सुनिए। जैसे शरीर में सिर में दर्द होना, आधा माथा दुखना, यानी तंत्र मंत्र टोना टोटका किया कराया वशीकरण ऐसा कुछ गलत चीजें अगर कोई कर देता है, यानी वीर छोड़ना भूत प्रेत छोड़ना बंदिश कर देना, इसके लक्षण क्या होते हैं और किस तरह से इसको हटाया जाता है उसकी पूरी गतिविधि में आज आपको बताऊंगा। तो ध्यान से सुनिए समझिए और परखिए। पहले बीमारियों के लक्षण होना, जैसे आधा माथा दुखना पूरा माथा दुखना,
कलेजा दुखना, हाथ पैरों में जकड़न होना, जबान का कट जाना या अंदर कोई आत्मा का खेलना, सिरे सिरे शरीर गल जाना, धीरे धीरे शरीर घल जाना, रोटी का खाने खाने का मन नहीं करना, हमेशा दिमाग में उल्टे सीधे विचार आना, या अंदर कोई आत्मा आती है, या शरीर सूख जाता है, या गला बंद जाता है, गले में कोई अंदर जाता नहीं हो, कलेजा, पेट, हाथ पैरों में जकड़न, अकड़न, और रात को सोते समय गलत सपने आना, यानी सपने में उठपटांग हरकत करना, गलत काम करना, ऐसे लक्षण अगर किसी के अंदर हो, किसी माता बहन भाई के अंदर, तो समझना इसके अंदर कुछ न कुछ तंत्र क्रिया का प्रयोग होया हुआ है। अब इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये शनिवार और रविवार दो दिन तक आप ये टोटका कर सकते हो। दो दिन में जैसे मैं बताता हूँ पूरा टोटका कीजिए, पूरा आपका पेशेंट घर बैठे इसका समाधान अवश्य हो जाएगा। यानी किसी को तंत्र मंत्र किया कराया, वशीकरण, मूठ, जादू ऐसा अगर किया कराया है, जो मैंने लक्षण बताया हुआ है, इस टोटके से आप उसको हटा सकते हो। ये टोटका आपको शनिवार को भी करना है और रविवार को भी करना है। सर्वप्रथम मैं सामग्री आपको बता देता हूँ कि भाई क्या क्या सामग्रियों की जरूरत पड़ती है। सर्वप्रथम एक शनिवार के दिन में, यानी शनिवार को शाम को भी करना है और रविवार को भी शाम को करना है। शनिवार के दिन में आप बाजार में जाइए, शहर में, वहाँ पर एक नया मटकी लीजिए, 11 नींबू लीजिए, थोड़ा सा सिंदूर लीजिए, 5 सिगरेट लीजिए, 5 इत्र का शीशी लीजिए, थोड़ा गुलाब का फूल लीजिए, थोड़े हजारे के फूल लीजिए, 7.5-7 तरह की मिठाई लीजिए, 5 पान, 5 सिगरेट, 5 इत्र का शीशी लीजिए और थोड़ा सा जलेबी और थोड़ा सा इमरती अवश्य लीजिए आप। और मरीज जो भी है, माता है चाहे भाई है, उस मरीज के नाप के नए कपड़े, ये नए कपड़े सारी चीज़ें शनिवार के दिन में आपको बाजार से लेकर घर पे आपको आ जाना है। शाम को जब संध्या काल होती है, तो संध्या काल के समय में अपना जो पेशेंट मरीज है, उस मरीज को अपने जो मेन गेट होता है उस दरवाजे पे आप बिठाइए। पहले ढेबरों मटकी जो बताइए, मटकी को बीच में से आधा काट के ऊपर ऊपर वाला घेरे को कहीं रख दीजिए, नीचे नीचे वाले घेरे पे सिंदूर में थोड़ा चमेली का तेल मिला करके सिंदूर को अच्छी तरह से लेपन करके जो ढेबरा आपने बनाया है, वो ढेबरे के अंदर भी त्रिशूल करना है और बाहर भी त्रिशूल करना है, दो त्रिशूल बनाना है, एक अंदर और एक बाहर। फिर टिक्की लगाना है ढेबरे के चारों तरफ और ढेबरे के अंदर भी चारों तरफ टिक्की लगाना है। फिर सर्वप्रथम मरीज के नाप के जो मैंने कपड़े बताए हैं, वो कपड़े को ढेबरे के अंदर रखिए। फिर जो पान, सिगरेट, अंतर पंतर जो भी चीज़ें मैंने मिठाई विठाई 11 नींबू सारे वो ढेबरे के अंदर रखना है। मरीज को ऐसे शाम को शनिवार के दिन संध्या काल में बिठा के मरीज के ऊपर उस ढेबरे को पकड़ के उस मरीज के ऊपर 51 बार उतारा करना है, यानी बिठा करके सर से लेके पांव तक 51 बार उतारा करना है। 51 बार उतारा करके ये टोटका आप कहीं भी चौराया, तिराया या सुनसान जंगल में रख कर आ सकते हो। जैसे ही आप टोटका उतार के जंगल में ले जाने के लिए, रखने के लिए जाते हो, उस समय पीछे से बोल दो मरीज को कि आप स्नान करके नया कपड़ा पहन ले, दूसरा कपड़ा। जो मरीज उतारे के समय में जो कपड़ा पहने हुए था, उस कपड़े को कहीं नदी नाले में फेंकवा दीजिए। उतारा ले जाते समय किसी से बातचीत ना करें, उतारा रखने के बाद में कभी भी पीछे मुड़कर ना देखें, अन्यथा हानि आपको हो सकती है। ये टोटका बहुत पावरफुल और शक्तिशाली है। किसी के अंदर भी जो मैंने ऐसे लक्षण वाली बीमारियां बताई थी, अगर वो बीमारियां किसी भाई बहन को सताती है, तो ये टोटका अवश्य कर दिए शनिवार और रविवार को शाम को। सामग्री शनिवार को भी लानी है और रविवार को भी लानी है। आपका पेशेंट एकदम ओके होने लग जाएगा धीरे धीरे। तो ध्यान से करें और सचेत रहें, आपका पेशेंट घर बैठे समाधान इस बीमारी का निवारण हो जाएगा 100% गारंटी के साथ में। तो हरिओम, आदेश आदेश, सभी भगत खुश रहो हमेशा हमेशा।